सोना मिडिल क्लास का फेवरेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्या ये सच में फेवरेट होता है? क्या सच में उतने फायदे हैं जो हमारे पिताजी दादाजी बताते हैं, भैया थोड़ा पैसा आए तो सोना खरीद के रख लो। और साथ में मैंने ये क्या लिख रखा है, 4 साल में पैसा डबल? क्या सोने में गोल्ड में 4 साल में पैसा डबल होता भी है क्या? समझते हैं सर अलग अलग पर्सपेक्टिव से, आज हम समझेंगे, आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मिडिल क्लास तरीका क्या होता है सर सोने में इन्वेस्ट करने का। उस तरीके से अगर इन्वेस्ट किया हमने सोने में तो 12 से 14 साल लग जाएंगे पैसा डबल होने में, यानी कि 1 लाख का 2 लाख होने में 12 से 14 साल है। रियल गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम, जिसमें 10 से 12 साल में पैसा डबल हो जाता है। उसके बाद एक ऐसा भी तरीका हम बात करेंगे जो कि घर में रखे रखे सोना जो होता है कमा के देगा क्या आपको? सोना कमा के नहीं देता ना, वो तो जब आप बेचने जाओगे तब जो बढ़ा हुआ है आपको वो मिलता है। लेकिन एक ऐसा तरीका भी बात करेंगे सर, सोने पर हर साल हमको पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, वो तरीके पर बात करेंगे जिसमें 8 से 10 साल में पैसा डबल होगा सर। और एक ऐसी कंपनी की भी बात करने वाले हैं जो गोल्ड से ही संबंधित है, जहां पर हमारा पैसा हर 4 साल में डबल हो जाता है, और ये पिछले 23 साल का रिकॉर्ड बताऊंगा। हर 4 साल में मिनिमम डबल, ये डबल जो मैं बात कर रहा हूँ ये मिनिमम है, कई बार तो डबल से भी ऊपर, ट्रिपल चौपल पचपल जो भी होता है वो सब भी हुआ है, लेकिन मिनिमम डबल तो है हर 4 साल में। तो हम फिर फाइनल इस पर आने वाले हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत से समझते हैं सर। ये तरीका है मिडिल क्लास वालों का, ये वाला ज्वेलरी वाला। एक मिडिल क्लास को जब सोने में इन्वेस्ट करना होता है वो क्या करता है, थोड़ा पैसा आ गया 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए सोना ले लेते हैं, तो सोना वो कैसा खरीदता है सर? कुछ ना कुछ ज्वेलरी बना लेता है बच्चे के लिए, बीवी के लिए या अपने लिए। सर दिक्कत ये है कि ज्वेलरी में, अरे कहाँ गया, ये तो सस्पेंस खोल दिया, एक आगे बढ़ गया। सर दिक्कत ये है कि ज्वेलरी में 12 से 14 साल लगते हैं पैसा डबल होने में, और इधर रॉ अगर लेते हो तो 10 से 12 साल लगते हैं पैसा डबल होने में। कैसे मैं कह रहा हूँ अभी वही समझाऊंगा, होता क्या है ये भी समझाता हूँ सर। रॉ में कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता, रॉ कहने का मतलब बिस्किट, सोने का बिस्किट, वो फिल्मों में देखा होगा ना, बक्सा का बक्सा, वो बहुत सारी ट्रेन पर ट्रेन बक्सा का बक्सा ले जा रहा है, उधर क्या ज्वेलरी होता नहीं है, वो सोने का बिस्किट होता है। तो वो अगर आप लेते हो तो उसमें कोई मेकिंग चार्ज है नहीं, कुछ बनाना मेहनत तो अलग से लगा ही नहीं ना। ज्वेलरी में सर मेकिंग चार्ज लगता है, और कितना लगता है, 6% से 30% तक। अब आप कहोगे 6-30 बहुत ज्यादा है भैया, कब 6 लगेगा कब 30 लगेगा? तो ये ऐसा है कि जितना VIP दुकान में जाओगे, जितना बड़ा बड़ा दुकान में जाओगे, जितना फैंसी टाइप का ज्वेलरी खरीदोगे उस हिसाब से उसमें मेकिंग चार्ज बढ़ता चला जाता है। सर मैं 30% की बात करूं तो यानी कि 5 लाख का अगर किसी ने ज्वेलरी लिया है उसमें 1.5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ मेकिंग चार्ज दे दिया उसने। सोना तो 3.5 लाख का है, कल को जब बेचने जाएगा वो आदमी 3.5 लाख उसको मिलने वाला है, क्योंकि मेकिंग चार्ज नहीं मिलता सर बेचने के टाइम पे, मेकिंग चार्ज तो गया, वो ज्वेलरी की कीमत है, वो खूबसूरती दिखाने की कीमत है, समझे? तो 6% जितना सड़ियल से सड़ियल दुकान में जाओगे, सड़ियल बोलना ठीक है क्या, चलो बोल देते हैं, मतलब जितने छोटे मोटे दुकान में जाओगे आप, किसी को हर्ट ना हो जा रहे, सड़ियल बोल रहा है, जितने छोटे छोटे दुकान में जाओगे ये बोल देते हैं, मेकिंग चार्ज कम लगता है सर, उनकी डिजाइनिंग कॉस्ट कम होती है, बड़े बड़े दुकान में डिजाइनिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, तो किसे वसूलेगा आप इसे? लेकिन इसकी वजह से होता क्या है सर, जरा ये समझो। ROI स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, यहाँ पे पहले साल से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले साल से शुरू हो जाता है। यानी कि 1 लाख रुपए का अगर आपने गोल्ड बिस्किट लिया, अगले साल उसको बेचने जाओगे, और अगर हम ये माने कि 6% के रेट से बढ़ा है उस साल गोल्ड, तो अगले साल आपको 1,06,000 रुपये मिल जाएगा, तो 6,000 का फायदा आपने कमा लिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर, ROI स्टार्ट्स आफ्टर 2 to 5 years, 2 से 5 साल बाद यहाँ पर ROI मिलता है। कैसे, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझो ये बात, एकदम ध्यान से समझना सर। देखो ज्वेलरी में जो आपका मेकिंग चार्ज लगा है, मान लो 6% आपने दिया है, और अगले 6% 1 साल बढ़ने वाला है गोल्ड का रेट, दोनों 6-6 हमने ले लिया, तो 1,06,000 तो आपने पहले ही दे दिया उसको जो 1 साल में रेट बढ़ने वाला था। तो अगले साल जब आप बेचने जाओगे तो आप लोग, आपको 1,06,000 अगर मिल रहा है तो आपका कोई ROI कुछ नहीं है, क्योंकि 1,06 तो आप पहले दे चुके हो, और वैसे भी अगले साल जब आप बेचोगे सर आपको सिर्फ गोल्ड की ही कीमत मिलेगी ना, गोल्ड की कीमत 1 लाख आपने लिया था और 1,06,000 हुआ बढ़ करके, और आपने पहले लिया भी था 1,06,000 रुपये, तो बराबर बराबर, तो ROI कुछ नहीं। किसकी वजह से, मेकिंग चार्ज की वजह से। और गलती से आपने अगर 30% दे रखा है उस पर, तो फिर तो 5 साल के लिए निश्चिंत रहो,
पांच साल के अंदर आप कुछ बेच भी रहे हो तो कुछ नहीं मिलने का। क्यों कुछ नहीं मिलने का सर? पांच साल में अगर मैं मान लूं कि 6% के रेट से हर साल गोल्ड बढ़ रहा है, अगर हम ये मान लेते हैं, तो पांच साल में 6, 5, 30% और 30% एक्स्ट्रा तो आप पहले दिन दे चुके हो उसको मेकिंग चार्ज के नाम पे। जब आप पहले ही दिन दे चुके हो आपको, तो पांच साल के अंदर आप बेचने जाओगे, पांच साल तक भी बेचने जाओगे, कोई फायदा नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूं 2 से 5 साल तक कोई आरओआई नहीं है भैया। उसके बाद बेचोगे तभी, और उसके बाद भी बेचोगे तो आपका जो गोल्ड गोल्ड का है ना, असली गोल्ड, उसी का पैसा मिलता है। मेकिंग चार्ज का कोई पैसा नहीं देगा बेचने के टाइम पे। अच्छा, ये जो बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ। आप ये ना कहना सर हमको बच्चे को दिलाना है, बीवी को दिलाना है, हम कैसे देंगे बिस्किट को? थोड़ी हम गले में टांग करके घूमेंगे, देखो हम बिस्किट टांग के घूम रहे हैं। वो बात समझ रहा हूँ मैं आपकी। ज्वेलरी अगर शो ऑफ के लिए, डिज़ाइन के लिए, स्टेटस के लिए ले रहे हो तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो तो लेना ही लेना है, है ना? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिडिल क्लास गलती करते हैं ना, ज्वेलरी खरीद लेते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहिए सर, रॉ खरीदना चाहिए। और मैं तो इससे बेहतर ऑप्शन भी अभी बताने वाला हूँ, रुको जरा। अच्छा, अगला पॉइंट सर, स्टेटस सिंबल है ये ज्वेलरी। सोने का अगर आप चेन वेन पहन रहे हो, मोटा मोटा बपिलेरी टाइप, एकदम भरा भरा लगता अमीर, अगर बड़ा आदमी आया, सोना स्टेटस बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। अब बिस्किट थोड़ी गले में लेके ढूंढोगे, अब धागा बांध करके ऐसे बिस्किट लटक रहा है, देख सोना सोना, ऐसे नहीं करेंगे ना। इधर कोई स्टेटस सिंबल नहीं है भैया, ये तो घर में चुपचाप रखा रहेगा, कौन जान रहा तुम्हारे यहाँ सोने का बिस्किट है कि नहीं है, है? 3% GST इधर भी लगेगा, 3% GST इधर भी लगेगा। लेकिन फर्क इतना है कि इधर जो GST लगेगा सर, मेकिंग चार्ज जो लगा है ना अलग से, उस पर भी 3% लगेगा। यानी कि 5 लाख का जो आप ज्वेलरी बनवाया है आपने, और 30% अगर उस पर दिया है, हैं, तो आपका टोटल 5 लाख पे 3% लगेगा, मेकिंग चार्ज पर भी GST लगेगा। इधर तो कोई मेकिंग चार्ज है नहीं, हैं, तो ये फायदा है। बुझा रहा है, बेजम घुस रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे लिख के बताइए मज़ा आ रहा है। गोल्ड का ये पर्सपेक्टिव अभी से पहले समझे थे? नहीं समझे थे तो मुझे बताइए, पहली बार समझ रहे, मज़ा आ रहा है, एकदम लिख के बताइए हमको। ठीक, एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ सर, यहाँ पे मैंने लिंक डाल रखा है। मैं जो कह रहा हूँ ना, 10-12 साल लगते हैं गोल्ड को डबल होने में, कैसे कह रहा हूँ सर, ये वेबसाइट मैंने बैंक बाजार का खोल रखा है, इधर पूरा है सर, हर साल का यहाँ पे डेटा है, हर साल किस साल गोल्ड का प्राइस क्या था, आप सब यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक मोटा मोटी यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे 2010 का ले लेता हूँ मैं, हाँ 2012 का मैंने ले लिया, 2012 देखो 31,000 का प्राइस था गोल्ड का, तो इस हिसाब से अभी 2023 लगभग 11 साल में सर 58,000 हुआ है, तो लगभग 10-11 साल में डबल सोने का प्राइस होता है, वही तो मैं कह रहा था। ठीक है, लेकिन अगर ज्वेलरी बना है तो 2-3 साल और आगे मान लो, क्यों, मैंने रीज़न बताया आपको। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। हम वापस आ जाते हैं अपने स्लाइड पे, ब्लॉक कर देते हैं इसको। ठीक, बढ़ते हैं हम आगे। अब सर एक कैटेगरी होती है डिजिटल गोल्ड। ये डिजिटल गोल्ड क्या होता है, ऑनलाइन आप खरीदते हो, ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि घर पे डिलीवरी आता है, ऑनलाइन आपने किसी वेबसाइट पे जाकर खरीद लिया, पेटीएम पे या तनिष्क पे, बहुत सारे वेबसाइट है, कहीं भी आप खरीद सकते हो। तो वो कंपनी क्या करती है, आपने बोला 1,00,000 रुपये का गोल्ड, तो 1,00,000 रुपये का गोल्ड खरीद करके वो कहीं लॉकर वॉकर में रख देंगे, पूरा इंश्योर्ड होता है वो, पूरा सेफ होता है वो, और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपने इतना रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। नुकसान और फायदा ये है सर, नुकसान ये है कि एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ता है, उसमें GST तो लगेगा 3%, साथ में एडिशनल हैंडलिंग चार्ज, वो लॉकर में रख रहे हैं, इंश्योरेंस भी दे रहे हैं आपको, तो उसका हैंडलिंग चार्ज लेंगे ना, ये फालतू का खर्चा है, और ये अच्छा खासा खर्चा है सर, 2-3% 4% के आसपास लग जाता है, मोटा खर्चा है ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिजिटल गोल्ड मेरे को नहीं भाता है, कुछ लोग को भाता होगा, करते हैं बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट, तो मैं नहीं करता हूं। ठीक, मेकिंग चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगेगा क्योंकि गोल्ड बिस्किट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उधर। ठीक है, एज नो ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी तो है नहीं, ज्वेलरी में ही मेकिंग चार्ज लगेगा, ज्वेलरी बनाने का जो चार्ज होता है। ठीक, तो डिजिटल गोल्ड ये हो गई कहानी। अगली कहानी होती है सर गोल्ड की, ETF म्यूचुअल फंड। जैसे कोई भी ETF या म्यूचुअल फंड के बारे में हमने जो पहले बात करा है, उसी तरीके से गोल्ड म्यूचुअल फंड भी होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, शेयर्स में आपका पैसा जाता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि गोल्ड में आपका पैसा जाता है। सिमिलरली गोल्ड ETF में आपका, ETF में भी गोल्ड में पैसा जाता है।
तो ये बिल्कुल उसी के तरीके का है, तो ये भी मैं नहीं करता हूं, कभी नहीं करता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये अच्छी चीज है सर, ध्यान से समझिएगा इसको, बढ़िया चीज है ये। बात दरअसल ये है, एक बॉन्ड है जैसा मैंने लिखा है बॉन्ड, और ये एक स्कीम है जो कि आरबीआई के द्वारा चलाया हुआ है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी स्कीम है। तो ट्रस्ट आ गया भैया, जहां सरकार का नाम आया। तो है क्या ये, आप सोने के भाव पर कोई सर्टिफिकेट खरीदते हो, 10,000 रुपए का मान लो अभी सोना है, 10,000 का तो नहीं होता, कैसा एग्जांपल लेते हैं, ले लिया तो ले लिया, चलो ठीक है 10,000 रुपए का सोना है, 10 ग्राम मान लेते हैं, कौन सा कभी जमाने में रहा होगा 10,000 रुपए का 10 ग्राम, अभी तो 60,000 रुपए चल रहा है। तो खैर हमने मान लिया 10,000 रुपए का 10 ग्राम हमने मान लिया अभी है, तो सर्टिफिकेट आपने 10,000 रुपए का खरीदा, 10 ग्राम आपको के हिसाब से मिला, कल को जब बेचने जाओगे तो अगर 12,000 रुपए हो गया 10 ग्राम का कीमत, तो 12,000 के प्राइस पे आप वो सर्टिफिकेट बेचोगे। सवाल आता है सर्टिफिकेट बेचोगे कहाँ, सर जिधर से खरीदा आपने उधर ही बेच दोगे, ऑनलाइन खरीद सकते हो अपने डीमैट अकाउंट, ब्रोकर वोकर म्यूचुअल फंड जहाँ इन्वेस्ट करते हो वहाँ भी आता रहता है, साल में 2-3 बार आता है, साल में 2-3 बार मिलेगा आपको, हमेशा नहीं मिलता, हमेशा अवेलेबल नहीं होता। या आप इस संजट में नहीं पढ़ना चाहते हो कि भैया हमको कब हम ढूंढेंगे कब पता चलेगा, तो आपका बैंक में जिस बैंक में अकाउंट है उसको बोल देना, वो आपको याद दिला देगा। ठीक, बैंक या तो बैंक से ले लो या फिर आपका जिधर म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा उधर आ जाता है। ठीक, तो रियल गोल्ड नहीं मिलता आपको और रियल गोल्ड होता भी नहीं है, सिर्फ वो सर्टिफिकेट सरकार ने चालू किया है, वो सर्टिफिकेट की कीमत गोल्ड के हिसाब से बढ़ती और घटती है। ठीक, नो बैक्ड बाय रियल गोल्ड, पीछे कोई रियल गोल्ड नहीं होता, जैसे डिजिटल गोल्ड में रियल गोल्ड होता है, आप उसको घर पे ऑर्डर करके घर पे मंगवा भी सकते हो, डिलीवरी चार्ज वगैरह अलग से देना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो यहां कोई रियल गोल्ड होता ही नहीं है, यहां पे तो सर्टिफिकेट का ट्रेड हो रहा है ये समझो। नो मेकिंग चार्जेस, नो जीएसटी, क्योंकि रियल गोल्ड है ही नहीं। बाय एंड सेल एट द प्राइस ऑफ रियल गोल्ड, जैसा अभी बताया रियल गोल्ड का जो प्राइस है उसी प्राइस पर सर्टिफिकेट खरीदते हैं, कल को जब बेचेंगे तो जो रियल गोल्ड का प्राइस होगा उस वक्त उसी प्राइस पर बिकेगा। ठीक, अर्न 2.5% एनुअल इंटरेस्ट, ये बहुत बढ़िया चीज है सर, और ये सबसे अच्छी चीज है, ये चीज अच्छी है क्योंकि ये है क्या, ध्यान से समझो सर, कभी ऐसा होता है कि सोना आपने खरीद रखा है या ज्वेलरी आपने बना रखा है घर पर रखा हुआ है, आपको एनुअली कोई कहीं पैसा दे दे, कुछ इंटरेस्ट दे दे कि रखे हो भैया ले लो, ऐसा नहीं होगा ना। इसमें होता है सर, आपने मान लो 1,00,000 रुपए का ये सर्टिफिकेट खरीद रखा है, तो 1,00,000 रुपए का 2.5% यानी कि 2,500 रुपए हर साल आपको बैंक देगी सर, सरकार देगी, आपके बैंक में आ जाएगा हर साल। ठीक, ये अच्छी बात है। तो जिसकी वजह से होता क्या है सर, 7% नॉर्मली गोल्ड ग्रो होता है, मान लो अगर हम 6%, 7%, 8% से के हिसाब से अगर गोल्ड ग्रो हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस 2.5% आपका पैसा, आपका गोल्ड 9.5% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। हालांकि ये लाइन पूरी तरीके से सच नहीं है, समझाता हूं कैसे। मैंने इसको क्यों बोल दिया 9.5% कि 2.5% ये एक्स्ट्रा दे रही है, अगर 7% के हिसाब से नॉर्मली गोल्ड ग्रो कर रहा है तो 2.5% इसको मैंने ऐड कर दिया, लेकिन ये सच पूरी तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि ये सर एक कंपाउंडेड नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। क्यों सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ये 2.5% साल का आपके बैंक में आ जा रहा है, तो उधर तो जमा रहा नहीं सरकार के पास, सरकार के पास जब जमा रहता तो उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट अगले साल जुड़ता, उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट अगले साल जुड़ता, लेकिन ऐसा हो रहा ही नहीं, ऐसा हो नहीं रहा, इंटरेस्ट वाला पार्ट निकाल के आपको बैंक में दे दिया जा रहा है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसलिए पूरी तरीके से ये लाइन सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप मान सकते हो कि नॉर्मल गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में, ज्वेलरी में आपको कोई अलग से इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इसलिए एक लेवल बेटर है, अच्छा है। हाँ, गोल्ड नहीं है आपके पास वो आप कह सकते हो, ज्वेलरी नहीं है आपके पास वो आप कह सकते हो, सिर्फ सर्टिफिकेट है, लेकिन उसकी औकात गोल्ड के बराबर है और गोल्ड बराबर से थोड़ा ऊपर ही है क्योंकि 2.5% मिल भी तो रहा है। ठीक, अच्छा, टैक्स फ्री है भैया, कोई टैक्स टुक्स नहीं लगता, अच्छी बात यह है। गोल्ड में टैक्स लगता है, डिजिटल गोल्ड में टैक्स लगता है, ज्वेलरी में भी टैक्स लगता है जो एप्रिशिएटेड वैल्यू है उस पर, इधर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लॉकिंग है सर 8 साल की, 8 साल के लिए आपको कम से कम छोड़ना पड़ेगा, वैसे 5 साल में भी निकाल सकते हो, वैसे तुरंत भी निकाल सकते हो जुगाड़ जुगाड़ लगा करके, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो सर, एप्रिशिएट होगा गोल्ड तभी तो आपको कुछ फायदा मिलेगा, तो आपको 8 साल का लॉक इन है सर। ठीक, मोटा मोटी ये समझ में आ गया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये अच्छी चीज़ है सर, ये करना चाहिए। ठीक,
अगला मेन मुद्दे की बात सर, ये टाइटन ये है असली धमाका सर, जो 4 साल में आपका पैसा डबल कर देती है। ठीक, कैसे? टाइटन ही वही कंपनी है ना जो घड़ी वड़ी बनाती है। हाँ, ये वही कंपनी है, लेकिन असली काम इसका घड़ी बनाना नहीं है सर, असली काम इसका ज्वेलरी बनाना है। इसलिए तो मैंने बोला शुरुआत में सोने से संबंधित सोने की ज्वेलरी, हालांकि हीरे की ज्वेलरी वगैरह भी है, लेकिन मेजर ज़्यादातर जो बिकते बिकते हैं तो सोने की ज्वेलरी। और ज्वेलरी का धंधा एक ऐसा धंधा है सर, ये आपको लगेगा कभी, लगता है कभी घटने वाला है, बढ़ने वाला है ये। अच्छा, इसका तो इतिहास ऐसा है भाई साहब का, 61,000% रिटर्न दिया है इसने 23 सालों में, 61,000%, यानी कि 1,00,000 रुपए किसी ने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता 23 साल पहले ना, तो आज उसको 6 करोड़ रुपए होते, सिर्फ 1,00,000 रुपए छोड़ा होता उस वक्त और बस छोड़ दिया होता, आज 6 करोड़ रुपए बन चुके होते कि इतनी पावरफुल कंपनी है। ठीक, इसका पास्ट का जरा हम बात करते हैं सर। सर टिल नाउ शेयर प्राइस गॉट डबल इन एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल पे इसका पैसा डबल हुआ है इन्वेस्टर्स का। देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, टाइटन की जो हम बात कर रहे हैं ये पास्ट इतिहास हम बात कर रहे हैं 20-22 साल का, तो मेरा ये मत समझना कि भैया हम रिकमेंड कर रहे हैं टाइटन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं। आजकल तो रूल भी आ गया भैया, ऐसे बोल नहीं सकते, इसे सब बोलना पड़ रहा है आपको। ठीक है, हालांकि आप तो समझदार हो, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ सर पुराना इतिहास बात कर रहा हूँ, आगे की मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ना समझ लेना। ठीक, चलो ऊपर दिखाता हूँ आपको वेबसाइट ओपन करके जरा, इतना समझ में आ रहा है सर? हर 4 साल में पैसा डबल गोल्ड नहीं कर सकता, शुरुआत में मैंने जो लिखा था ना 4 साल में पैसा डबल, गोल्ड में कभी नहीं हो सकता, लेकिन गोल्ड से संबंधित ये कंपनी काम कर रही है और वो भी टाटा की कंपनी है भैया, टाटा का मतलब भरोसा, तो इसलिए बात ये। चलो भैया तुम हट जाओ। हाँ सर, मैं जरा आपको शेयर प्राइस दिखाता हूँ टाइटन का। सर ये देखो, गूगल में मैंने सिर्फ लिखा है, क्या लिखा है, टाइटन शेयर प्राइस, ये टाइटन आ गया ना सर। सर घड़ी भी बनाती है, चश्मे भी बनाती है, लेकिन इसका 80% से ज़्यादा काम ज्वेलरी का है, लोगों को नहीं पता, और जिसकी वजह से जरा इसका ग्राफ देखो सर, ध्यान से देखो रो ग्राफ, हर 4 साल में जो पैसा डबल मैं कह रहा हूँ, अच्छा ये मिनिमम डबल है, कई बार तो ट्रिपल चौपल पचपल भी हुआ है, लेकिन मिनिमम डबल है हर 4 साल में, जरा ये समझो ध्यान से किससे मैं कह रहा हूँ इसको। सर यहाँ देखो, मैं बाहर हो जा रहा हूँ कि फ्रेम में, चलो कोई नहीं, चीज आनी चाहिए, चलो ऐसे हो जा रहा हूँ, अरे भैया हटो तुम, इसको जरा जूम कर लिया जाए, कर लिया जाए कि नहीं, जूम क्यों नहीं हो रहा है? हाँ अब हुआ, अरे भैया यहाँ रखना पड़ेगा ना। देखो 2000 में सर 1.91 रुपए, यानी कि लगभग 2 रुपए की कीमत थी इसकी 2000 में। सर उसके 4 साल बाद 2006 में देखो तो 42 रुपए चला गया, 2 रुपए से 42 रुपए, ये सिर्फ डबल है क्या 4 साल में? सर डबल से कितना, पचपल छपल सतपल क्या क्या है पता नहीं, वो आप गिन लेना। सर 2 रुपए से 42 रुपए हो गया 4 साल में। उसका अगला 4 साल 2006 से 2010 देखो सर 76 रुपए के आसपास चला गया, ये लगभग डबल हो गया है ना। अच्छा 2014 4 साल आगे सर 234, डबल से भी ऊपर चला गया, डबल से भी ऊपर है ये। उसके बाद 2014 से 2018 सर 879, डबल से भी ऊपर। सर उसके बाद 2022 देखो सर, सर 2468 और अभी के टाइम पे 3100-3200 का शेयर है सर। हर 4 साल में मिनिमम डबल हो रहा है, पिछले 23 साल का ये डेटा है, इसके पीछे जाकर के और आप देख सकते हो। हालांकि ये 99 में शायद आया है, 99 में या 2000 में, 99 में शायद आया। ठीक है, तो ये बात थी। अच्छा और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ सर, ये जो टाइटन है ना हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, जरा देखना सर, इतनी सारी तो इसकी वॉचेस की कंपनियां हैं, ये देखो सर टाइटन, टाइटन क्लॉक्स, जूप और क्या है ये ऑक्टेन, ये जाइलस, पता नहीं क्या लिखा है, रागा, ये लड़कियों के लिए घड़ियां बनाते हैं, नबुला, फास्ट ट्रैक, ये सब तो जानते हो ना। और नीचे आ जाओ सर, एक ये सोनाटा टाइटन की है सर, फास्ट ट्रैक। और नीचे आओ सर, ये क्या है, ज्वेलरी सर, ज्वेलरी में तनिष्क सबसे बड़ा ब्रांड, ये तो आप जानते ही हो सर, जोया इसी का है सर, मिया इसी का है, कैरेटलेन इसी का है, ये सब टाइटन के अंदर है, इतनी बड़ी कंपनी है टाइटन। तो क्या बोलूँ, बोल भी नहीं सकते कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, ये सब बोलना अब रूल आ गया है ना, समझ रहे हो बात करो है, तो वो सब भी समझना पड़ेगा ना। अब देखो आपकी मर्जी है, वो गोल्ड का ज्वेलरी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना सर,
आपके पास अगर अगाध पैसा है, महीने का आप 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1-2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए कमाते हो, फिर तो कुछ भी खरीद लो, फिर तो ज्वेलरी क्या, गोल्ड क्या, बॉन्ड क्या, अरे सब खरीद लो बल्क में। 1,000 करोड़ का सोना खरीद लिया, 1,000 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया, 1,000 करोड़ का ये खरीद लिया। लेकिन अगर लिमिटेड कमाते हो, 25-30 हज़ार रुपये कमाते हो, 50,000 रुपये कमाते हो, तो बड़ा ध्यान से खर्च करो सर। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड की ज्वेलरी मत बनवाओ। हाँ, बीवी को खुश करना है तो ठीक है, ज्वेलरी बनवा लो, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ज्वेलरी बनवानी है तो उसके लिए बड़ा मेकिंग चार्ज भी देने के लिए तैयार रह जाओ। तनिष्क जैसे शोरूम में चले जाओ तो बड़ा मेकिंग चार्ज भी लगेगा, बहुत बढ़िया ज्वेलरी बनेगा। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ ज्वेलरी बनाना है काम का, छोटे से छोटे दुकान में जाकर के बनाओ सर। और अब ये डर खत्म हो गया है कि छोटा दुकान वाला नकली कम गोल्ड प्योरिटी दे देगा, बड़े दुकान वाला ज्यादा। अब ये डर खत्म इसलिए हो गया, अब तो हॉलमार्क का फंडा आ गया है। हर दुकानदार को हॉलमार्क वाला सोना बेचना जरूरी है, ठीक है। कोई अगर नहीं बेच रहा था, आप उसको धमका सकते हो, ये क्या कर रहा है, गड़बड़ अंदर हो जाएगा, फाइन लग जाएगा उस पर, ठीक है। तो अब छोटा और बड़ा दुकान वाला का रिस्क खत्म हो चुका है। तो सारे फंडे मैंने क्लियर कर दिए आपको, डिजिटल गोल्ड क्या होता है, फिजिकल गोल्ड क्या होता है, सोवरेन बॉन्ड्स क्या होता है, और इन ज्वेलरीज में डील करने वाली ये टाइटन कंपनी जो कि टाटा की है, इसकी क्या औकात है, इसने अब तक पिछले 22-23 सालों में, 20 सालों में क्या किया है, इसके बेस पे हम आगे का डिसीजन भी ले सकते हैं, हमें क्या करना है। तो ज़रा ध्यान से, समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए सर। पैसा बड़ी मेहनत से आप कमाते हो, यूं ही तो नहीं आ रहा ना, तो थोड़े सा रिसर्च, थोड़ा सा एनालिसिस तो बनता है ना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और धनतेरस दिवाली का भले ही टाइम है, लेकिन हम ये भी देखते हैं, अरे उसने भी जो खरीद लिया, उसने भी सोना खरीद लिया, उसने भी सोना खरीद लिया, हमको भी सोना ही खरीदना चाहिए। सारे गधे हैं, आप भी गधे हो क्या है? दुनिया में 95% लोग गरीब क्यों हैं? अपना भेजा नहीं लगाते, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हम भी वही करेंगे। 95% लोगों की भीड़ इधर ऐसे ही है सर। 5% में अगर आना है तो इसको इस्तेमाल करो थोड़ा, समझे। तो आज के सेशन में मजा आया क्या, कुछ सीखने को मिला क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर मजा आया, कुछ सीखने को मिला, गोल्ड के बारे में कुछ नई चीज़ समझ में आई तो मुझे लिख के बताइए। कुछ रह गया, कुछ नहीं कवर कर पाया मैं, तो सवाल भी लिखिए कमेंट में, रिप्लाई नहीं कर पाता मैं, लेकिन पढ़ता हर एक कमेंट में, कमेंट हूँ आपके, आगे के किसी सेशन में आपका कमेंट जरूर पिक कर लूँगा मैं। तब तक कमेंट बॉक्स में क्या लिख के बताना आपको, हाँ बस बिल्कुल सही समझे।